आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत आज मुरादाबाद में भाजपा युवा मोर्चा ने एक बड़ी तिरंगा यात्रा निकाली है। भाजपा कार्यालय पर उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायत राज्य मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा का शुभारंभ किया। देश आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है, देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज मुरादाबाद में भाजपा युवा मोर्चा के नेतृत्व में एक बड़ी तिरंगा यात्रा निकाली गई है। इस यात्रा में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह थे, जिन्होंने हरी झंडी दिखाकर भाजपा कार्यालय से इसका शुभारंभ किया। इस यात्रा में बड़ी संख्या में महिला भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया है। इस अवसर पर योगी के मंत्री ने सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर्रहमान वर्ग पर हमला बोलते हुए कहा कि वो भले ही तिरंगे पर भी राजनीति करें, पर भारतवासियों के दिलों में तो तिरंगा बसता है, वो उनकी जान और शान है। इस अवसर पर आज घर घर तिरंगा अभियान के तहत मुरादाबाद में एक तिरंगा यात्रा निकल रही है। तिरंगा हमारे देश की शान है और उस शान को हम लोग मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे, ऐसा संकल्प भारतीय जनता पार्टी का है, उत्तर प्रदेश केंद्र की सरकार। आप मंत्री जी, आज मतलब एक बयान भी आया वर्ग का, उन्होंने कहा है तिरंगा यात्रा जो है एक जो मैसी महंगाई है और उसको लेकर भटका रहे हैं लोग। तिरंगा हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज़ादी के 75 वर्ष में हम अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं और तिरंगा हमारी शान है, हमारी शान का प्रतीक है। और उन लोगों को अगर इस पर कोई राजनीति करती हैं तो राजनीति करें, हमारा राजनीति का विषय नहीं है, ये हमारे देश की प्रतिष्ठा से मान सम्मान से जुड़ा है। थैंक यू वाले सर, किस तरह की नई योजनाओं को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मुख मंत्रिमंडल के लोगों ने सभी 6 महीने 100 दिन 6 महीने 1 साल 2 साल 5 साल की पूरी कार्य योजना प्रस्तुत की है और हम लोग उन प्राथमिक विषयों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जो 100 दिन के काम हम लोगों को थे, हम लोगों ने 100 दिन के काम सारे पूरे किए हैं और अब 6 महीने के काम लक्षित हैं, उनको पूरा करने का काम माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कर रहे हैं। सर, शिवपाल यादव ने जो है अपने परिवारवादी पार्टी है, वो अपने परिवार से आगे बढ़ के सपा हो भाजपा हो बसपा हो कांग्रेस हो, परिवार से आगे की नहीं सोचते। सरकार में कार्रवाई, ऐसे लोगों पे क्या कार्रवाई, सरकार कार्रवाई कर रही है, दंडात्मक कार्रवाई कर रही है, जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, किसी भी को अराजकता करने की अनुमति कानून और शासन नहीं देगा।